श्याम सर, हमने बुलाया? हाँ, वो रुमाल और जुराबेन का जी, वो तो मैंने इसी के लिए बुलाया था। तुम जाओ नाश्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। जी, वो छोटी बहू वाले ने दवाई का चार्ट बना के रख दिया वहाँ पे। हाँ, मैं ले लूंगा, तुम जाओ नाश्ता तैयार। जी, नाश्ता भी तैयार करवा दिया छोटी बहू वाले ने। हाँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कनिका, तुम तो जानती हो ना, दादी ने मुझसे तिजोरी की चाबियां ले ली हैं। अब कहां से दूं मैं तुम्हें पैसे? ओ कम ऑन भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे चाबियां मिलने के बावजूद भी आपने कभी पैसे नहीं निकाले हो। प्लीज भाभी, मुझे कुछ ही हजार रुपए चाहिए, प्लीज। ओ स्वीट हार्ट, आई स्वेयर मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, सीरियसली। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। वैसे मेरे पास आपके लिए एक बहुत फायदे की बात थी। वो तो आप जरूर जानना चाहेंगी। वो आपके चहेते देवर देवरानी है ना, करण और आभा, उनके बारे में थी। लेकिन अब करेगा करेगा करेगा, कम ऑन, क्या बात है, बता। ऑल राइट, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बताओ क्या बात है। भाभी, मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या है ना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो इसीलिए बता रही हूँ। ओफो कनिका, कम ऑन, मैंने कहा ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बताओ क्या बात है। ठीक है भाभी, आप सुनोगी ना तो दंग रह जाओगी। बताया आपको, शादी होने के बावजूद भी करण भैया और आभा पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे। क्या? हाँ, क्या खबर सुनाई है तुमने। मजा आ गया। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। तुम जाओ कमरे में जाओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ओके भाभी, थैंक्स। जी मैडम। ये संस्कार जी को दे। थैंक यू। कम इन। सर, ये मैडम ने भेजे। हर तोहफा तेरा कबूल हमें, तू कांटे भेज या फूल हमें। Take
हसीना का कितना हसीन जवाब आया, खत में लिपटा हुआ प्यारा सा गुलाब आया। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इतने अच्छे मौसम में इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर काम पे जाना चाहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज काम से छुट्टी ले लूं। बहाने मत बनाइए, शराफत से ऑफिस जाइए और दिल लगा के काम करिए, और इधर उधर की बातें मत सोचिए, समझे श्रीमान जी? वैसे जो आप कह रही हैं करना बड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा। बाय बाय। छोटी बारोनी, आपके लिए खत आया। हमारे लिए? जी। ठीक है। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हम आपके इस शरारत का जवाब जरूर देंगे। जा रहा है करण, हमें लेटर ना ना। अरे पढ़े बिना तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज करण मत पढ़े। हद ना करण। एक शब्द शरारती कहीं का बहू, तू देखना करण के बच्चे भी ना बिल्कुल करण की तरह ही शरारती होंगे। हाँ बहू, तुझसे एक बात करनी है। बताती हूँ। बहू वो एक बात हम कहें बेटा? कहिए ना दादी। वो जो शैली है ना, वो मारे अपने, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ मारे अपने फिगर के बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही है। बेटा ये उम्मीद तो तू ही पूरी कर सकती है। बेटा अब जाने गोपाल जी ने कितने दिन और लिखे हैं हमारे भाग में। हाँ बस बेटा, अब तो यही इच्छा है कि अपने बड़ पोते को खिलाए इन हाथों में। मेरी अच्छी बच्ची, हम चाहते हैं हम तब तक पति पत्नी का रिश्ता कायम ना करें जब तक परिवार वाले हमें अपना ना लें। अब तो यही इच्छा है कि अपने बड़ पोते को खिलाए इन हाथों में। जी, इस समय तक तो किसी को यहां पहुंच जाना चाहिए था। पूरे
घर की पुताई जो करनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ चंद्र प्रभा, हम ये देखना चाहते हैं कि ये महज खोखली बातें ही हैं या खुद को अच्छा साबित करने का जज्बा भी है आपके दामाद में। आपको निराशा नहीं होगी पिताजी? ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे। चूना रंग रोगन कुची सब बाहर रखे हैं, शुरू हो जाए। पिताजी रेव पार्टी में तो बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पता कि रेव पार्टीज में क्या होता है? अरे चरस गांजा सब कुछ होगा। तुम आ रहे हो तो फिर क्या टेंशन? ठीक है, सी यू देन, बाय। हे भगवान, ये लड़की तो कैसे रोके उसे? कल रात जिस तरह उसने हमसे बात की, हमारे कहने से तो ये रुकनी से रही, पर किसी भी तरह रोकना तो होगा उसे। करण से कहेंगे तो नहीं, पापा से भी नहीं कह सकते, किससे? दादी, हम दादी से बात करते हैं। अम्मा, कनिका के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता है, परिवार भी अच्छा है और लड़का भी अच्छा है, ये उसकी तस्वीर है। इधर पापा और दादी कनिका की शादी के बारे में सोच रहे हैं और उधर कनिका न जाने कैसे गलत लोगों की सोबत में पड़ गई है। अम्मा, अंदर अंदर आ। अच्छी खबर है, देख कनिका के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। यह है लड़के की तस्वीर। सच दादी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर हमारी कनिका किसी अच्छे से घर में चली जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? अम्मा, ये फोटो कनिका को दिखा दीजिएगा और उससे भी उसकी राय ले लीजिएगा। हाँ बेटा। कनिका, इस तरह रात रात भर पार्टी में रहना अच्छे घर की लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। मत जाओ कनिका, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल समय भी तो ठीक नहीं है ना। सड़ती रहती हूँ और किसी और के बाहर जाने पर, एंजॉय करने पर तुम्हें जलन होती है? नहीं आभा, तुम्हें कनिका से जलन हो रही है? बिल्कुल सच कहा भाभी आपने, लेकिन ये बेचारी कर भी क्या सकती है? वो क्या है ना, खुद तो कहीं बाहर आ जा सकती है नहीं, और मेरे जाने पे शायद इन्हें तकलीफ होती है ना? भाभी, ये स्कर्ट कैसा रहेगा? ओह, दैट्स फॉर कनिका।
तुम हमें गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाभी, बात ऐसी ही है भाभी। I mean, look at you, बहन जी लगने लगी हो। अभी से संन्यास ले लिया है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुम और करण भैया दूर दूर हो? कितनी अजीब बात है ना भाभी, पति पत्नी एक ही कमरे में अलग अलग। हम कनिका को इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। लेकिन इतनी रात को अकेले कोई क्यों बाहर जाना चाहेगा? वॉचमैन। हाँ जी साहब, बोलिए साहब। अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा तुमने? साहब मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन हाँ किसी को जाते हुए जरूर देखा है, वो भी लाल साड़ी में थी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी पत्नी इस वक्त कहाँ है? अपने कमरे में है पापा, क्योंकि वो शैली भाभी तो है नहीं कि रात को पार्टियों में जाए या देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमती रहे। और वैसे भी आभा को अगर कभी बाहर जाना होता है तो वो मुझे बताए बिना नहीं जाती। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पत्नी पर, होना भी चाहिए। एक काम क्यों नहीं करते, अपनी पत्नी को बाहर बुला लो और मुझे गलत साबित कर दो। एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं, देखते हैं। आभा, आभा, मैंने तो सोचा था कि जब तुम अंदर जाओगे तो एक हाथ से तुम्हारी बीवी तुम्हारा टिफिन लेगी और फिर दूसरे हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली थमा देगी। पर यहां तो किसी का साया भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। आभा का फोन यहां, अगर कहीं गई है तो फोन लेके क्यों नहीं गई? क्योंकि अपनी पत्नी इतनी रात गए कहां गए? करम भैया, हमने सारा घर देख लिया पर छोटी बौरानी कहीं पे भी नहीं है। और
कनिका बिटिया भी घर पे नहीं है। कनिका कहाँ है पापा? कैसे पिता हैं आप जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी बेटी देर रात तक कहाँ भटक रही है? पापा, कनिका अपने दोस्त की शादी की रिसेप्शन पार्टी पर गई है। मैं आप लोगों से यही कहने आ रही थी। मुझे कहकर गई है पापा। और वैसे भी कनिका इतनी लापरवाह नहीं है जितना कि लोग यहाँ उसे समझते हैं। सही कहा तुमने शैली, हमारी बेटी में उतने संस्कार तो हैं कि घर वालों को बता के जाए औरों की बेटियों में तो उतने संस्कार भी नहीं होते। लता दीदी। प्रकाश, लता नहीं है घर पे बेटा, क्या बात है? माँ, वो जो डॉक्टर ने दीदी के लिए फॉलिक एसिड की दवाई मंगवाई थी ना, वो हम ले आए हैं। कहाँ है दीदी? बेटा वो कहीं बाहर गई है, हमसे सिर्फ इतना कह के गई किसी सहेली से मिलने जा रही है। लेकिन माँ, अब तक तुमने सो जाना चाहिए ना, कल उनकी सोनोग्राफी है और ऐसे वक्त में ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। हे भगवान, आप परेशान मत होइए, आप हमें बताइए किस सहेली से मिलने गई है। हम राघव मामा का स्कूटर ले जाते हैं और खुद ले आते हैं दीदी को। हमें कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना कह के गई है कि किसी सहेली से मिलने जा रही है। ये आप क्या कह रही हैं चंद्र बाबा? ऐसी हालत में आपने उसे बाहर जाने क्यों दिया? ये भी नहीं पूछा कि किससे मिलने गई? रात का समय है, कुछ भी हो सकता है, किसी मुसीबत में पड़ गई तो। आपने मुझे यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया है? आज आखिरी बार आपके इतना कहने पर मैं आपसे मिलने आई हूं। तुमसे मिलना बहुत जरूरी था लता। ये पार्टी में साड़ी डाल के आई हो? Are you in your senses? Guys, इस पार्टी की नई लुक। तुम मुझे पागल समझते हो विकी? Have I gone out of my mind? मैं रेव पार्टी में साड़ी क्यों पहन कर आऊंगी? सिर्फ घर वालों के लिए। पार्टी का असली ड्रेस तो मैं अंदर पहन के आई हूँ। Oh, really? Yeah. फिर इंतजार किस चीज का है? अब तो तुम पार्टी में आ चुके हो। Come on, अब तो अपना असली रंग दिखा दो। Really? Okay, बस एक मिनट। रुक जाओ कनिका। तुम हम तुम्हें इस तरह सबके सामने घर की इज्जत उतारने नहीं देंगे। अच्छा, तुम होती कौन हो मुझसे जबरदस्ती करने वाली, मुझ पर हक जमाने वाली? निकल जाओ यहां से। Get out. कनिका, बेहतर होगा तुम अभी रुक जाओ।
शायद हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं होंगे, पर तुम हमारे लिए छोटी बहन हो। चलो। देखिए, आप किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर इस वक्त कनिका हमारे साथ नहीं जाएगी तो तुम सबको पुलिस लेके जाएगी। चले कनिका। विकी, विकी मेरी बात सुनो। विकी छोड़ो मुझे। विकी छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। इतना मैं क्या करती हूँ? तुमने जो मैं इंसल्ट किया सबके सामने, बाहर उतरो, बाहर छोड़ो। आप मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुमने आज जो किया है ना, उसकी बारी की मत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। उसकी परवाह नहीं। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, खुद तो अपनी पसंद से शादी करके अपने घर वालों की इज्जत उछाली, दोनों परिवार के खिलाफ गई और मुझे सच्चा वास्ता देती हो। तुम्हें क्या हक बनता है मुझे कुछ भी कहने का? तुम्हें पता है इस घर में आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं की, तो तुम कौन होती हो? हाँ, तुम कौन होती हो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली? अरे अगर इज्जत उतनी भी तो मेरे घर की, मेरे खानदान, मेरे बाप की उतनी, तुम्हारे बाप का क्या करता? कनिका, पापा, पापा देखिए ना पापा, मैं तो अपने फ्रेंड की शादी के रिसेप्शन में गई थी और पता नहीं ये वहां पर कहां से आ गई और पापा सबके सामने मेरे को इंसल्ट करने लगी। पापा, क्या मैं पूछ सकता हूँ किस अधिकार से तुमने इसे थप्पड़ मारा? भाई मैं पूछना चाहती हूँ। पापा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। पापा ये पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझसे कहने लगी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, और जब मैंने इनकार कर दिया पापा, तो पता है इसने क्या किया? जब आज तक आपने नहीं किया, दादी ने नहीं किया, घर के किसी मेंबर ने नहीं किया पापा, she slapped me पापा। एक मिनट, तुमको क्या तकलीफ है अगर मेरी बेटी किसी की शादी की पार्टी में जाती है तो? पापा ये सच नहीं, तनिका किसी शादी के रिसेप्शन में नहीं, ऐसी जगह गई थी जहां अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती। हम तो सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए कौन कहां गया था और कौन नहीं गया था, और किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? अब कनिका मुझसे पूछ कर गई थी, पापा अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानेंगे, अपनी बेटी की या अपने नाम की बहू की। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।